चुनौती दी, हाथों हाथ चुनौती तो भेज दी, लेकिन सूंघना था कि जब नाक और कान काटेंगे तो उसने रोना शुरू किया। और रोती बिलकती हुई पंचवटी के जो बिल्कुल समीप में रहते हैं, दंडक बन के राजा महाराज खरदूसर के दरबार में गई सूंघना था, नाक काली पीलो भई पे किनारा काम बताओ मैंने कहा कोई साधु संत महात्मा पूजन भजन करते हुए मिल जाए पकड़ करके खा जाओ। अरे खात खात मुनिहार अब ये दांत गए कोठलाए, अब सत्तू खात है सात दिना से भर। सत्तू राक्षस सत्तू खाएंगे तो जिंदा रहेंगे भला। ऋषि मुनियों को खाते खाते मेरे दांत कोठला गए हैं। खान पियन की बात तुम नित्य प्रति करत बखान, आज अपन अपन बल कहो तो महु लियो दिए जान। बल ताकत बताओ कितनी बहादुरी है। मुझ में इतनी ताकत है कि दो क्विंटल तो मोर में हिल जले के चले थी, 30-40 क्विंटल ताकत तो हमने छत में बघरा दई। इतनी ताकत है। ताकत बताओ बहादुरी बताओ तो पता चले हमारे राक्षस कितने बहादुर। इतनी ताकत रखता हूँ इस मजबूत कलाई में और पकड़ के आग लगा दू दिया सलाई। अच्छा दिया सलाई में आग लगाना बहादुरी का काम है, बिना ताकत के भला चल जाएगी। अरे दिया सलाई तो कोई बच्चा जला लेगा, जला लोगे ना तो ताकत तो लागे, चाहे कम लागे चाहे ज्यादा ताकत तो पकड़ता है। नहीं कोई दूसरी ताकत बताओ। मैंने अपनी हिम्मत के बहादुरी के द्वारा न जाने क्या क्या कर डाला। क्या क्या किया? ऊँट को खेत खाद पन में घुसेर दिया। अच्छा। और लोमड़ी का पीछा किया पूछ को खा दिया। वाह क्या बात है। हाथी को देखा तो देखते ही डर गया, हाथी ने सुनार के फूंक दिया तो मैं बिल में घुस गया। ये बहादुरी है बताओ, ये ताकत है कोई? अरे ताकत वो होनी चाहिए जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े सूरमा भयभीत हो जाए, सीधे खड़े हो जाओ। मैं ताकत बता रहा हूँ, बिल्कुल सावधान। ये सावधान है स्कूल में पढ़ा, सावधान रहना। काल की ज्वाला हूँ मैं, आज की ज्वाला हूँ मैं। अगर हम काल की ज्वाला हूँ तो कहता आज की ज्वाला। मैं आज की हूँ। अरे भाई मैं आज काल की बात नहीं कर रहा, काल नाम है मृत्यु का, आज नाम है अभय का। हाँ काल की बात कर रहा हूँ, मृत्यु अभय हो जो तुम। मेरे बराबर इस दुनिया में कौन दूसरा है बलवान? कोई नहीं मेरे सिवा दूसरा जवान। अच्छा मेरे सिवा कोई दूसरा जवान है का तुम्हारे हमारे अलावा? हमारे दो भाई बैठे दिखाए गया है, ऐसे दबाजे का फुट तोड़े। अरे नहीं
ये छिपकुली को बच्चा क्या कह रहे थे तुम? ये दोनों पोंगा है? मैंने कहा पोंगा देखा है कभी? कैसा होता है? देखा। तो फिर तुमने कहा कैसे? कहा तो होगा। इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खाड़ा। ये है बुद्धि प्रकाश। जिसकी बुद्धि कम होती है उसमें ये प्रकाश डालने वाला। इसको मत चलाइए, मेरी बुद्धि बहुत है। नहीं तुम पोंगा कह रहे हो ना? तो पोंगा में खा के लाने का होता है। पिछली बार भाई ताकत की जो बात आ रही थी, समझे? ताकत ये होती है कि बोलने से व्यक्ति डर जाए। खड़े हो जाओ सीधे। देखो मेरी ओर। तो आज तो सिर्फ धनी बनो मजाक करा। हम जाकर जाकर तो बनो बनो हाथ ये तो बनो। बताओ ताकत क्या होती है? रूप ज्वाल से। तुम वहाँ का ज्वाल नहीं दिखा लो, मुझे खबर का दिखा लो। तुम्हें ताकत बता रहा हूँ। हम बताओ। पाप काल की ज्वाला हो। बहुत सही है। जिससे मन क्या कहा था कि वहां शांत होकर खड़े हो जाओ। भंगी उसको लेकर के आगे मौन हो जा। मौन ये क्या कर रहे हो? और सुनाओ आगे। अहंकारियों का, अहंवारियों का रास्ता तुम मिटाने वाला हो। शाबाश शाबाश महाराज, तेरे में तो मैं हूँ। अच्छा, तुमको इतना एक जरूरत नहीं है। मैं हूँ। किसको डरना है? वो गजरात वास है। किसको डरूंगा? मका जा रहा है हजरात, शायद हजरात। तो मेरे सेवक वो अपने महाराज को नहीं जान पाएगी। महाराज किसको डर सकता? महाराज किसी को नहीं डरता। मोहन जरूर डरा। और सुनो, और इससे बढ़िया ताकत मेरा छोटा भाई बताएगा। बता रहे छोटा भाई, मैं छोटी कुटी बताए। नहीं लगा भी। महाराज, ओ महाराज, माफ कीजिए, पहले बढ़ जाती है। सुनो, सुनाओ। ताकत कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? एक बार उस यमराज का भी करेगा पूरी सुहरिया खाया हुआ। शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। तो वही तो पार्टी के सब जिया नहीं बच गया। चुप हो जा। खूब वो सब्जी कहाँ चली गए? सब आ गया तक आ भरी के मारू फंका। वाह, तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। खेला भर पानी पी गए होगे तो ऊपर। तो फिर सुनो, तो फिर बोलना बेटा युधिष्ठिर से ये जाने के लाले फट जाएंगे। बहुत सही कहा। अब छाड़ दो कपिए लगे थे। ऐसे आए तो हार मारा था। अब ये बताओ ताकत अपनी, हम लोगों को ताकत सुन लिया, ये ताकत किसे कहते हैं? अब अपनी ताकत बताओ, तुमने आज तक क्या किया है? मैंने लाखों के पांव काटा लिया। क्या बात! देखो ये हर बहादुर लाखों के पांव सर क्यों नहीं काटा? सर उनके लगे नहीं थे। मतलब मुर्दे को लाख मुर्दे को मार कर बहादुर बनता। मुर्दे को नहीं मार, मुर्दे को मार कर बहादुर बनता है। तुमसे कहीं के लाखों के पांव उसने काट डाले क्योंकि लोग पड़े थे, तो मैंने सोचा पांव काट दूं। अरे जिंदा को मारो, मुर्दों को मार कर बहादुर। अच्छा ये बताओ, तुमने आज तक किसी को मारा? मैंने तो 3 बार मारा। हाँ, मारा। हाँ, तक मारा। किसको? अपनी घरवाली को। घरवाली को मारकर बहादुर
काफिर बन रहा है। अच्छा अपनी घर वाली को क्यों मार रहा? इसलिए कि तीन चार बार पकड़े उसने मुझे उठा के दही मारा। फिर तुमने मार फिर तामा ने मारा। ये बात तो जब मारे गए हो तो मार लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि दरबार को कुछ सुनाना चाहिए तो सुन ले दरबार चाहते। तुम ऐसा करो तुम पहले शायरी सुना। शायरी? हाँ, लेकिन शायरी में एक नियम है। देखो शायर होती है चार चरण की। हाँ। तो अंत वाला हम बनाएंगे और तीन तुम बताओ। ये कहता हूँ मां साफ है, अगर मुझे बने तो मैं बना दें और ना बने तो ना बना। ना बनी तो मारे नहीं हो तो मारो जाओ चाहे तो जूहो। ए बिल्कुल तैयार है ना, अगर ना बनाओ तो पीछे से मारना। हाँ, जो बने लाए खुद बनाता है, ना बने लाए खुद बने बता भैया जो बजा की छोड़िए ना फिर क्या करो। नहीं ना बनेगा तो मारे जाओगे। देखो अंतिम चरण में दे रहा हूँ कि गया तखत पर लेट। गया तखत पर लेट जल्दी क्यों नहीं पहुँचा? अरे नहीं भाई, इसके तीन चरण तुम बनाओ। ये बात है, एक व्यक्ति था तो ससुराल गया तो उसको बगल में था तो कुछ नहीं खाने को दिया गया तो रात में उठो चार पाई से खोया रखा था, खोया और कटहर की तरकारी। तो खोया कटहर खा गया वो व्यक्ति, तो खोया कटहर खा गया तो पूरा फूला पेट गुब्बारा की तरह पूरा फूला पेट तो झी के बीड़ी दबा तमा फूक गया था खत पर ले। बहुत बढ़िया बनाए तू। बनाया अच्छा बनाया है ना, लेकिन अब दूसरी ना बना। अच्छा बताओ का कुम्हड़ा अस्पाट। का कुम्हड़ा अस्पाट चोर गयी हो चोरी करन, चोर गयी हो चोरी करन सो चोरन लागो ठाट और ठाट टूट के खपरी में गिर गए चोर के तो का कुम्हड़ा अस्पाट। बढ़िया बढ़िया। से करते लगता ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। अब एक और हम बताएंगे। हाँ। एक और बताएंगे, उसको भी बताओ। कैसे नाम पड़ा चौधरी? कैसे नाम पड़ा चौधरी? हाँ, तुम्हें बताना है चौधरी का नाम चौधरी कैसे पढ़ो। कैसे बनाओ चट खोपड़ी पर यार आजा नहीं मारो चाहे आजा चौदह जिसके आगे पीछे चौदह चलते हैं। चार चूतिया चार चमार चार कसाई तुई हत्या जो बांधे चौदह के लड़ी वह का नाम पड़ा चौधरी। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आखिरी वाला न बता पाओगे और न बता पाओगे तो मारे जाओगे। मारा क्यों जाऊंगा? आखिरी वाला बता दो। शायद ना माने तो हागे ऊंट की लेड़ी। जवाब है ऊंट लेड़ी नहीं हगेगा तो क्या रसगुल्ला नहीं? अरे शायरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हगे ऊंट की लेड़ी। रत्ती भर से तू हाथी पावे, हाथी को थोड़ा सा सटुआ दिया जाए तो क्या होगा? जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो रत्ती भर से तू हाथी पावे सूख के हुई का भेड़ी और सूर जो मोटी थी वह सुखा के पनारा हुई गे तो हाथी हगने लगा ऊंट की लेडी। चलो कोई बेतुकी आती है? हाँ? बेतुकी। हाँ? गप बाद में बेतुकी पहले। बेतुकी जिसका कोई तो ना मिलता हो। हाँ। ठीक है, मोरे पिछवाड़े लाऊं का बेरवा। तुम्हारे पिछवाड़े लौंग का बिरवा। हाँ। अच्छा, लौंग का पेड़। हाँ। मोरे पिछवाड़े वो आया है तो करता हूँ। कमेटी की ओर से 100 मुद्राएं प्रदान हुई हमारे लिए, समस्त लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लौंग का बिरवा, मोरे पिछवाड़े लौंग का बिरवा फरे लदालत बेल। दुष्ट नहीं थे। अच्छा बता, लौंग का पेड़ है उसमें बेल कहीं फलता है लौंग के पेड़ में? यही तो बेतुकी है, अगर लौंग के पेड़ में लौंग फलेगी तो बेतुक कहाँ से होगी? हाँ ठीक है, फिर बेतुकी तो कोई तुक नहीं। तुक ना मिला। आगे से लौंग का पेड़ हुआ फरे लदालत बेल। हाँ। मरे तान का डंडा मार तो होगा डुबरी का माठा।
अब ये तो समझ में कम आया, दूसरी बताओ। अच्छा दूसरी बार बांदर कूदो डार से। हाँ ये तो ठीक है, ये बढ़िया है। बांदर कूदो डार से धरती गयो समान। डार से कूदो बस धरती के अंदर उतर आकर क्या बेटो की यार। अरे गप्पी मेरा नाम सुनो भाई, गप्पी मेरा नाम। एक चंभा मैंने देखा। क्या देखा? कुआं में लग गई आग। अगर कुआं में पानी रहता आग लगेगी। गप्पा है गप तो है। चाहे जहाँ गपाई रहे गप का मतलब गपाई रहा हूँ। एक चंभा मैंने देखा कुआं में लग गई आग, अब पानी पानी सारा जल गया, मछली खेले आग। तो पानी जल गया मछली खेल। अरे दूसरा तो एक अचंभा मैंने देखा। हाँ क्या देखा? चीटी मरी पहाड़ में। अच्छा चीटी मरी पहाड़ में, लेने गए चमार, तो 60 जोड़ी जूता बन गई, चप्पल बनी 1000। गप्पी मेरा नाम सुनो भाई, गप्पी मेरा नाम। चीटी के चमड़े से इतना बन गया आपका गप्पा है। हाँ गप्पा है। खल्ला को पुराना का। एक अचंभा मैंने देखा गिल्ली ससुरे जाए। अच्छा गिलहरी। हाँ ससुरे जाए और 7 हाथ का लहंगा पहने, पूंछ कुंभारे जाए। हाथ कुछ कहिए, 7 हाथ का लहंगा तो पूंछ खुली है अपा। गप्पा है। हाँ गप्पा है भाई। गप्पा सुगा। एक अचंभा मैंने देखा मुर्दा रोटी खाए। मुर्दा रोटी नहीं खा सकता, ये गलत है तुम्हारा। जब गप्पा है मुर्दा कहीं जिंदा जिंदा खाए जाना देखा। मुर्दा रोटी खाए, अब तारा भले का पानी पी का बारा तारे फुफवाए। अपने समझ में आ रही नहीं जान रहे। मुर्दा रोटी खा रहा है ठीक है। हाँ बिन मारे बोलत नहीं है, बिन मारे चिल्ला है। जब बोला उसे नहीं बोले। हमार बिन मारे चिल्ला तो ये कब छोड़ो। अच्छा एक जम्हा मैंने देखा क्या भैंसी चढ़ी खजूर माँ। भैंसी खजूर में इतना लंबा होता कैसे चढ़ जाएगी। गप्पा चाहे जहाँ चढ़ जाए, चाहे चढ़ा जा चाहे भोड़वा चढ़ा जा। गप्पा भैंसी चढ़ी खजूर माँ। भैंसी चढ़ी खजूर माँ, लप लप कूलर खाए। खजूर में कूलर। हाँ कूलर। अकान के डंडा मैंने मारू भैंस बिरयानी गाय। भैंस गा दिया सका दिया तो कह हुआ तो मोटरसाइकिल के यहाँ से कैसे। लोगों ने सुना होगा दो चार गप्पी बैठ के बिना मतलब झाड़ते रहते हैं। वही कैसे लोग कह रहे कि मैंने फलन जगह यो करो, मैंने ढकान जगह यो करो और करो कुछ नहीं है। सुना रहता हूँ कुछ हुआ हमें मजा नहीं आ रहा। मैंने मजा नहीं आ रहा तो मैं शराब निकली ला गया। नहीं वो ना चाहिए। नाचे वाली बोला जाए। नाचे वाली आई है बहुत बढ़िया बढ़िया। अरे नाचे वाली भौजी, ओ नाचे वाली भौजी आ जाओ आ जाना आ जाना। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलियां जाना आ जाना। जब नींद आए ना रातों को रानी लगे तंग तुझको जवानी। जादू जगाए मौसम जगाए मौसम करे चैन खानी। जब जब ना पाए देखा हमारी गली आ जाना आ जाना आ जाना। अपना भर बैठ हुआ तो हम छाड़ गए। इतनी गर्मानी है। टिक 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 अर्जिया बेकरार है बाहर है अच्छा मोरा साजना तो ना इंतजार है। हमने एक नाचने वाली को कहा था लाने के लिए, थोड़ी देर हो गया यही चला। तो आज नाचने वाली Yeah.
से याद लगाएगी। ये मोटी सुनो। हाँ सुनाओ। इससे पूछो कितना लेती है अपना किराया। अरे कितना ले था, कितना ले हो तो तय भी तो हूँ, मांग के तो दे। गावर, ये जितना लेती है अभी उससे ज्यादा भी देंगे, इसको हमारे राजकोष में कमी नहीं है। बता दो कितना देंगे। जुको जुको है उत्ते उत्ते दाए भी। मदद तो तुम ज्यादा तक ना हूं। उलाला उलाला महाराज दे दो। ए महाराज अपने दांत दे दे, हमें मेला देख। सुनो इससे पूछ लेना महाराज, एक पूरा नाम दे, एक बार खाके एक नाम। ईमानदार मारे जाए। क्या मांग रहे थे तुम पहले जरा? बेईमान बहुत है ये। ईमानदार है आप? मैं बेईमान, मोरम्मा बेईमान, पप्पा बेईमान, प्रचार आ रहा है तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती वहाँ खत्म। Yeah.
रही थी। ये देखो 5 रुपए का टिकट, 5 रुपए का टिकट, 10 रुपए मिला। बहुत बेमतलब का शोर करता है। क्या कह रहे थे, कौन सा शो है ये, लड़के को लड़की बनाने वाला शो? घर अभी आनंद नहीं आया, दूसरी बार बुला रहा हूँ। मिस काजल रानी पढ़ा रहेंगे, अभी काजल आएंगे फिर थोड़ी देर में लिपस्टिक आएंगे, लिपस्टिक के बाद पाउडर का नंबर दो और फिर कोई क्रीम आएगी। आइसक्रीम नहीं आएगी, तुम लोग सोच रहे हो आइसक्रीम आएगी, क्रीम आएगी। बोरो प्रेस लगा लो, चाहे विटेक्स लगा लो, दर्द खर्च थोड़ी नहीं मिटा लो। नाचनी वाली के देखो, इनका नाम है काजल, लिपस्टिक का भी सो रही है और पाउडर कहीं पड़ा होगा, डिब्बे में घुसा होगा कहीं। पाउडर भी आने वाला है, आप लोग डांस देखें, काजल लिपस्टिक और पाउडर का तीनों मिलकर के मेकअप बन जाएंगे। और ये देखो, एक तरफ काजल है तो एक तरफ क्या है, बोलने को दिया अगर मार देते हैं आप। एक तरफ काजल, दूसरी तरफ बैगन भटा, तीसरी तरफ बीच में कद्दू है, जिसको प्यार से कहते लोग कद्दू है। ये देखो काजल अभी अभी थोड़ा पढ़ रहा है, जब तक आरवा में खुशू है। ये देखो अभी पूरा पूरा बन नहीं पाया काजल, यहाँ तक आते आते बन जाएगा। काजल कह रही है कल बढ़िया मंगवा दीजिएगा गाड़ी गाड़ी का। बिल्कुल बिल्कुल मंगवा देंगे।
बल्ले बल्ले बल्ले। भाई एक और छोटी सी प्रस्तुति और उसके बाद सूपनखा का इस दरबार में आना। बहुत अच्छा गाना था। अरे महाराज को बचाओ। महाराज की बात अलग है। मैं आ गया, नहीं मरना नहीं जिंदा रहना चाहता हूँ। नाच गाना तो बहुत हो गया, और एक तो है। ऐसा करिए जब तक नाच हो रहा भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ थोड़ा सा। जब तक नाच हो रहा है तब तक तुम लोग तुम जाए जो करा जाके लेटर का डबल लगा रहा है। हम ठीक है। I'm not afraid.
मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा। अरे मेरे पास बात अरे भैया बहुत छड़छड़ा थी कौन अच्छा शराब है अच्छा शराब है बताओ मैंने तुमसे कहा था कि जाओ और पता लगा करके आओ पता नहीं तू आज कौन जुआनी शराबी हो रात के हल्ला मत हो लड़ाई घर में फालतू कुत्तो जा बीच में हाँ ठीक है जा नौकरी तो करत हो नौकरी ना करत हो तू तो बताओ कि कौन नौकरी ना करत हो तू तो जॉब पटे आ रही बिना मतलब भेज दिया गैया है किसी की हेरा गई है बहुत कला थी दैया अरे अब कर गए है तो कल्ला में करे कोनो के गैया कर गए है तो कल्ला है कल्ला है सबका कल्ला दिया पर कोनो भी नुकसान जा को पता लगा करके आओ जाओ पता लगाओ वाह कौन है वाह वाह कौन है मैं कैमरा को कहां घुसो आई दैया तुम्हारी बुआ हूँ हम समझे ये लगता है सूख लगा बुआ है इसको बहाना बना के कोई ना कोई तड़का देना चाहिए नैया पक्या छोटे के ढेलू आया हराम जाके हाँ कुटवाना चाहिए मुझे महाराज से कहते होगा महाराज है ही नहीं है कौन हो तुम मैं तुम्हारी बुआ हूँ वो सुना ही कंधे थे कुआ में कूदे जा था कुआ नहीं बुआ अच्छा अच्छा सुआ पकड़े का है बुआ आओ कौन है बुआ उखाड़ ले बेचारी की बुआ उखाड़ ले दरवाजे के अरे मैं तुम्हारी बुआ हूँ बुआ बुआ कहाँ का है बुआ इसको उल्टा सुनाई दे रहा है बुआ खा दे बेचारी जब मैं बुआ खाऊंगी इसको बुआ सुनाई देगा मैं तुम्हारी बुआ हूँ बुआ अरे बुआ हाँ कहा रही बुआ तने सबको देख लो बुआ ये मुंह दिखा पहले अच्छी ले आओ तना देख ले ओ दिखा अरे बंद कर बंद कर बंद कर अरे बंद कर तू तो सर कल्ला जी कल्ला ही ना जब तू सर सर तू तू है अब तो धुआं कहाँ से फेंके हैं खड़ी रहो भैया के पास चले जाओ भैया भी हाँ भैया चलो वो छिनिया चला झूठ ना बोलो मैं झूठी नहीं बोल तू छिनिया बहन लाइन ये 4-5 और आने का लाए लग फेरा तो एक हूँ कब से जाओ कह दे तुम्हारी बहन सुपनगर तुम्हारे दरबार में आना चाहती है अच्छा ठीक है सुपनगर बुआ हो इसलिए नहीं मैं जाऊँ रहा हूँ कभी ठीक है मैं यहीं बसर जा महाराज के जीवन के जगह आ गए पकड़े रू क्या सूचना लेकर के आए आपकी मेहरिया आई है वो बहन आई हमारी बहन सुरपणा का हमारे दरबार में हमसे मिलना चाहती है जाओ उसको सम्मान इज्जत सहित आदर पूर्वक हमारे पास लेकर के आओ तुम से कम मोह से ज्यादा मेरे से हाथ हुआ हाँ सामान कहाँ धरो है अरे कौन सा मान महाराज का सामान से हिस्से वाला और क्या कहा है घर ठंडी बक्सा सा कहाँ है कुछ नहीं है बगैर सामान के कहा थे इज्जत इज्जत कहाँ धरी है ला उठा के ले चला क्या कहा भैया ने कहा थे इज्जत के सहित ले वाला सम्मान से सामान दे दे इज्जत कहाँ धरी है द्वारा में है अरे ऐसा नहीं कहा होगा आदर पूर्वक सम्मान अरे हाँ शिष्टाचार इज्जत की ये बात है तो आपकी इज्जत तो करते ही हम लोग ये बात है मगर कोनो सामान हो तो ये इज्जत आइए स्वागत है अरे मोरे खदुसर भाई
तीन की कर दिया बच्चों का हाथी तुम्हारे सामने हाला की भैंस बहिन सुलोचना था तुम्हारे इस प्रकार रोने का कारण क्या है क्यों तुम इस प्रकार से रो रही हो बताओ अगला क्या हुआ जो तुम इस प्रकार से रो रही हो वो खुले टिंगों का धनी बनो तुमने सुनो भी भैया अपने पंच बच्ची में दो तपस्वी राजकुमार आए हुए हैं उनके साथ में एक नारी है तो क्या हुआ कि मैंने उस नारी को देखा हाँ हाँ मैंने सोचा क्यों नहीं जरा इससे पर्चे पूछ लो बिल्कुल जैसे ही मैं पर्चे पूछने के लिए गई भैया तो क्या हुआ फिर छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट लिए भैया क्या कहा भैया उन तपस्वियों के द्वारा तुम्हारा यह हाल किया गया अरे ऋषि थी उन तपस्वियों का मृत्यु बुला रही है भैया चलो मेरे साथ उन तपस्वियों के पास तुम्हारे सामने अभिवाद के घाट उतार करके तुम्हारे साथ किए गए इस दुर्घस कार्य का बदला अवश्य पूर्ण करूंगा चलो मेरे साथ चलो भैया तो आगे ले चलो आगे कर ली अशुभ रूप से तू ना साही जब दिल पूरे हो जाएंगे सब बंद हो जाएगा अभी चलो हमारे साथ ठीक है देखो जिसकी नाक कटी है 14,000 सैनिकों में सबसे आगे तुम उसी को करवाए हो ये अशुभ है क्या करो उनके बहनियां क्या खपली में चढ़ाए ना देखी राम निपू गल चलिया फिर हसी कठिन को दंडे चढ़ावा राम जी ने देखा तुम लड़ा लगे भाग तुम तो काम है तो क्या ये वही तपस्वी है आक्रमण रुक जाओ रुको अभी कहे हम भर जन्म रहे सोहाई देखिए नहीं अस सुंदर ताई सुर नर नाग असुर मुनि जेते देखे हते जिते हम तेते हमने सुर नर नाग यक्षर गंधर एक से एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को देखा परंतु इससे अच्छी सुंदरता का दर्शन कहीं नहीं मिला समझ लिया जब तुम लट्टू हो गए तो वहां और सुंदरता नष्ट नहीं की जा सकती जब भी भगवान यह क्यों कृपा महायक नहीं पुरुष अरूपा ये वध करने योग्य नहीं है लेकिन इसने काम ऐसा किया है उस कार के प्रतिघात में इसके साथ हमें ऐसा करना पड़ा तो मैं कार्य करूं क्या मोर कहा तुम ताज सुनाओ क्या कहूं जैसा मैं कहूं वैसा तुम इसको सुनाना सुनाना क्या है देव तुरंत निजरार दुराई और जीत हम जाओ दो भाई कहना तुम अपनी नारी को छोड़ करके अपने घर को लौट जाओ जे देव तुरंत निजरार दुराई निजरार दुराई अपनी नारी को छोड़ दो अपनी नारी को छोड़ दो मुझे दे दो अरे मुझसे नहीं उनसे कह रहा है तार सो बचन सुने आतो रावो जैसा वो कहे तुरंत आगे मुझे बता दो ठीक 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 ओके हेलो हेलो मिस्टर राम सिंह आई लव यू टू आई एम इंस्पेक्टर चट्टा आ रहती हूँ दिस वेरी फ्रॉम एंड द क्यू रहती कहाँ हूँ लॉन्ग एंड नाइस टू यू फूड यही रहते हैं पान का दुकान खोले बेच रहे हो चाय पियेंगे हाँ 500 रुपए की है लाओ मैं अभी का नहीं लाएंगे तुम्हें बने जाओ इधर क्यों आ गए हो हमारे पास यहाँ कितने लोग हो आप लोग दो और लुगाई कितनी है एक लड़के बच्चे एक भी नहीं अंडे अंडे भी नहीं नहीं अंडों के अंडे कोई नहीं मुर्गी का अंडा आपका नाम मिस्टर राम सिंह है हाँ आपका छोटा भाई कहाँ है लक्ष्मी
राम प्यारे राम। उससे क्या कह रहे तुम्हें? जब उनको डिग्री नहीं कराती थी उन्होंने हमारे कुआ का ऑपरेशन कैसे कर दिया? किस कुआ की बात कर रहे हो तुम? अच्छा किस कुआ की जगह कुआ खोद दिया? क्या नाम है उसका? श्री श्री 1008 मती श्री देवी सुपनखा महारानी। तुम्हारी सगी बुआ है? सगी नहीं मोहल्ला नाते हैं। तुम मारने के लिए आ गई हो? मैं तो रात तुम्हें सुना मुझे थोड़ी मारेगा दोस्त कहेंगे अब तेरे बिना कर का तुम हमारे पास में आए क्यों? तो तुम्हारी सगी बुआ नहीं पता करने के लिए भेजा था। किसने? दो लौंडे हैं मेरे तेरे एक का नाम घोड़ा है एक का नाम गधा है। क्या कहा उसने? अरे खर का नाम सुना खर तू नाम अरे नहीं सुना वही है वो उस इलाके के राजा है एक का नाम खर है एक का नाम प्रदूषण है। क्या कहा है उसने? उन्होंने कहा आप यहाँ से चले जाए अपनी नारी दे दे अगर नहीं गए तो क्या होगा? तो तुम्हारी मृत्यु युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कौन युद्ध करेगा? वही करेंगे मैं थोड़ी करूँ। तुम तो नहीं करोगे? मेरी ताकत कहाँ? अपने सरकार से जाकर के कह देना क्या हम तो क्षत्रिय तुम्हारे जैसे निशाचरों को खोज खोज करके मारते हैं। तुमने कहे उन लड़के को खर क्या? बिल्कुल बिल्कुल हमारा सब यही हो कह देना कि अगर उसकी भुजाओं में बल हो बुआ तुम्हारी आई थी अपनी शादी करवाने के लिए हमसे कह रही थी वो भी जबरदस्ती ये कह रही थी कि हमसे कह रही थी कि नारी से मिलने गई थी यहाँ काटती है भौल परा में आई हूँ। हमने बहुत समझाया लेकिन नहीं मारी तब उसके नाक कान काट लिए। अरे हमें जाना था प्याला का क्या है वा तुमने क्यों नहीं किया? जाओ तुम्हारा ही क्या है तुम जानते हो सरकार खर है मृगा है कार है ये हो युद्ध हमसे क्या करेगा? सही है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। तुम शीघ्र ही जाओ नहीं हमें क्रोध आ रहा है। ऐसा करो क्या लड़ाई झगड़ा ना करो तुम यहाँ से निकल लो यहाँ से चले जाओ मैं आपको एक रास्ता बता दूँ। हम नहीं जाएंगे। अरे बता दूँ निकल लो मैं रास्ता बता दूँगा 500 का है? नहीं है 500 का नहीं है 350 है दिए नहीं थे? अरे 350 भी नहीं है। अरे दे दिए 150 है? नहीं है 150 नहीं है 100 है? एक भी नहीं 50 में आया? नहीं देंगे। 25 आया? अरे हम नहीं देंगे। तब 5 दे दे काहे के लिए ना वो भी नहीं देंगे। तो हल तुम के जा मैं रास्ते ना बता ठीक है युद्ध करने के तैयार मैं जा रहा हूँ। मैं नमस्कार क्या कहा उन्होंने? आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अभी अभी पता चला है कि नगर गुरु गुरु अधिक गुरु गुरु इन्द्र गुरु गुरु नाद गुरु गुरु अन्न अधिक गुरु नाद गुरु गुरु तुम्हें मरे उनके पास मिल गया था तो क्या कहा क्या हमारी बात मान करके भाग गए? भागे नहीं है कह रहे तुम्हारे हाथ गोली वाला उठा के 3 बार तो ही मारेंगे 4 बार तो ही मारेंगे युद्ध के लिए तैयार है वो। अरे तब सावधान हो जा सावधान है तुमने इस ठंडा कमर में आकर के अपनी मनमानी करके ना जाने क्या क्या करने का सावधान हो जाओ। क्या देख रहा हूँ मैं अकेला और ये 14,000 सेना को लेकर आ गया है। अब अगर मैं एक-एक को मारूंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा। अब तो मैं अपने सम्मान बाण का ही प्रहार कर रहा जिससे समस्त सेना आपस में लड़कर के मर जाएगी। निशाचरों तुम सब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करने को तैयार हो जाओ सबके सब हो जाओ Thank you.
मोहिनी बाण का प्रयोग किया, सम्मोहन बाण का। उस बाण का ऐसा प्रभाव था कि जब भी राक्षस एक दूसरों को आपस में देख रहे थे तो सब में राम नजर आ रहे थे, और यही कारण हुआ कि 14,000 सैनिक आपस में लड़ करके ही मर गए। अब सुपना खा ने देखा, धुआं देख खरदूसर केरा, तो अभी देखिए मित्रों आज की लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है, क्योंकि मानस में भी विश्राम यहीं पर है, और आज रात्रि में जो क्रम होगा आज देखिए किस किंदा